हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। उन्नाव से आ रही बड़ी खबर बता दें, उन्नाव में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है और स्वास्थ्य सेवाएं भी चरमराती जा रही हैं। बुखार और सांस लेने वाले मरीजों की पहचान करने की कौन करे, उनकी कोविड जांच तक नहीं हो पा रही है। तमाम लोग जांच के पहले ही अपनी जान गंवा बैठ रहे हैं। कोरोना से बुधवार को जिले में 8 लोगों की मौत हो गई। दिवंगतों में पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष, एक आशा बहू की मां और चमरौली इंटर कॉलेज के एक शिक्षक भी शामिल हैं, जबकि 256 लोग पॉजिटिव मिले। वहीं इन सारी बुरी खबरों के बीच एक अच्छी खबर आई कि जिले में 285 लोग कोरोना को परास्त कर स्वस्थ हुए हैं। नवाबगंज ब्लॉक के सरस्वती मेडिकल कोविड अस्पताल में भर्ती धुईखेड़ा के रहने वाले 75 साल के मुन्नीलाल को 21 अप्रैल को भर्ती किया गया था। हिरनगर के 35 साल के विमला सिंह को 24 अप्रैल को, शुक्लागंज के ऋषि नगर के 45 साल के आशीष त्रिपाठी को 22 अप्रैल को, लखनऊ के इंदिरा नगर के रहने वाले 52 साल के ऋतु दुग्गल को 23 अप्रैल को, भवानीगंज के 42 साल के आशीष गुप्ता को 27 अप्रैल को, सोहरामुख की 54 साल की पार्वती देवी को 20 अप्रैल को और हिलोली ब्लॉक के बेटा भवानी के 75 साल के सुखराज को 28 अप्रैल की सुबह भर्ती कराया गया था। इन सभी की बुधवार को मौत हो गई। वहीं नवाबगंज कसंडा गांव के रहने वाली आशा कार्यकर्ता की 67 साल की मां मधु सिंह को बुखार आने पर सांस लेने में परेशानी होने पर परिजन नवाबगंज स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे। एंटीजन जांच में कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई। इंजेक्शन लगाने के कुछ देर बाद ही उनकी मौत हो गई। वहीं कोविड जांच में डीएम के स्टेनो और उनके परिवार के 7 सदस्य, 5 पुलिसकर्मी, 2 शिक्षक संक्रमित पाए गए हैं। सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार ने बताया कि बुधवार को सिकंदरपुर कर्ण में 1, नवाबगंज में 23, पूर्वा में 18, सफीपुर में 18, मियांगंज में 15, असोहा में 4, सिकंदरपुर सरोसी में 1, बीघापुर में 30, सुमेरपुर में 10, हिलौली में 14, हसनगंज में 2, बांगरमऊ में 20, बिछिया में 2, फतेहपुर चौरासी में 3, गंज मुरादाबाद में 4, शहर में 71, शुक्लागंज में 4 और अन्य लैब से जांच कराने वाले 4 लोग संक्रमित मिले। एक तरफ कोरोना संक्रमितों का ग्राफ बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ उसी तेजी से स्वस्थ होने वालों का भी ग्राफ बढ़ रहा है। बुधवार को 285 लोग संक्रमण को हराकर स्वस्थ हुए। जिले में अब कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 2858 है, जबकि अब तक जिले में कुल 164 लोग अपनी जान कोरोना से गंवा चुके हैं। संवाददाता भीमशंकर त्रिपाठी की रिपोर्ट, उन्नाव यू न्यूज़।